मतलब ये तो ऐसे हुआ चोर मचाए सो। भाई वंचितों का अगर हक मारा गया है जो कि दिख रहा है, तो मारने वाले तो आप ही दोनों लोग हैं, आप ही दोनों तो बैठे हुए हैं। तमिलनाडु के लोगों ने तो बिहार के वंचितों का हक मारा नहीं। भाई राज्य सरकार जो आज यहां बिहार में चल रही है, उसका इस वित्तीय वर्ष में बजट है बिहार सरकार का 2,46,000 करोड़, और 60% उस बजट का सीधा 60% राशि जिन विभागों के पास है उसके मंत्री दो व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो अगर आपको वंचित समाज को या जो समाज छूट गए हैं उनको भागीदारी देनी है, तो उन्हें उन समाज के जीते हुए विधायकों को वो विभाग देने चाहिए। तेजस्वी यादव क्यों पथ निर्माण मंत्री रहेंगे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कोई मुसलमान क्यों रहेगा, उल्टा क्यों नहीं कर देते, पथ निर्माण विभाग आप किसी अल्पसंख्यक आदमी को दे दीजिए। नीतीश कुमार काहे गृह मंत्री रहेंगे, गृह मंत्री आप किसी अल्पसंख्यक को बनाइए, किसी पिछड़े को बनाइए, शिक्षा मंत्री आप किसी पिछड़े को बनाइए, स्वास्थ्य मंत्री, पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन, ग्रामीण कार्य जो बड़े विभाग हैं, ये तो सारे विभागों के मंत्री कौन है, नीतीश जी है, तेजस्वी जी हैं और उनके दो मित्र दोस्त लोग हैं। तो अगर हकमारी हुई, क्योंकि वो कह रहे हैं हकमारी हुई, तो तुरंत भाई तुरंत लागू करो इसके लिए। तो सबसे पहले इस्तीफा इसलिए दो कि तुम 35 साल से हक मार रहे थे। इसका उपाय यही है कि राज्य मंत्रिमंडल एक बात है भाई, आप कह रहे हैं आरक्षण यहाँ मान लीजिए कि 50% था, उसको बढ़ाकर आपने 65 किया, 75 किया, वो आपका मर्जी है। आप ये बता दीजिए कि जो 50% आरक्षण लागू था उसमें 50% दलित समाज के लोगों को, वंचित समाज के, अति पिछड़े समाज के लोगों को हक क्यों नहीं मिला? हक इसलिए नहीं मिला कि आपने यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था को चौपट कर दिया। जब उन समाज के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे तो उनको आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? और शिक्षा मंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है पिछले 35 साल से? सर एक क्वेश्चन है, जिस प्रकार से जन सुराज काम कर रही है ऐसा ही प्रभाव आपका देखा गया था स्टार्टिंग में, हालांकि उनके साथ कुछ बड़े बड़े नाम थे, लेकिन जन सुराज अपनी पदयात्रा कर रही है पूरे बिहार में। क्या लगता है कि ऐसे बड़े नाम खुलकर कोई अभी तक सामने नहीं आया है, तो क्या ऐसे बड़े नाम की प्रतीक्षा हो रही है कि आप उनको खोज कर रहे हैं उनकी, ऐसी क्या कोई? पहली बात तो आप जन सुराज को आपसे कंपेयर न करें, वो एक अलग वो आंदोलन था। जन सुराज एक छोटा सा अभियान है जो कि जमीन पर चल रहा है, ये कोई आंदोलन नहीं है, ये किसी के विरोध में नहीं है, किसी एक विषय पर नहीं है। आम आदमी पार्टी से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक करप्शन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन था। उस आंदोलन से निकली हुई एक शाखा जो आम आदमी पार्टी बनी, जो पार्टी बनकर चुनाव लड़ी, उसमें और जन सुराज अभियान में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो पूरा अभियान है ये महात्मा गांधी आजादी से पहले महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी उससे प्रेरित है, जिसमें बड़े लोगों की खोज नहीं हो रही है, समाज को जगाने की खोज हो रही है। जब गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन किया उस समय देश का कौन सा बड़ा नेता गांधी जी के साथ चंपारण में घूम रहा था? वो तो वहां के नेमलेस फेसलेस किसानों ने उनके साथ आंदोलन किया, और उस आंदोलन उस सत्याग्रह की ताकत से अंग्रेजों को झुकाया गया। ऐसा नहीं हुआ कि देश भर में जितने उस समय आजादी के लड़ाई में बड़े नाम थे उन सब वो सब लोग आकर बैठ गए चंपारण में, और चंपारण में उसकी वजह से विजय मिली। वो ताकत किसी बड़े नाम में नहीं, वो ताकत जनता में है। आप चाहे जितने नाम इकट्ठा कर ले, जब तक जनता नहीं समझेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि बड़े नाम का इंतजार कर रहे हैं, तो बिहार में आप जिसको बड़ा और अच्छा, जिसको आप बड़ा मानते हैं और समाज अच्छा मानता है, वो नाम आप हमको दे दीजिए, हम कल ज्वाइन करा देते हैं। कौन सा यहाँ बड़ा नाम है जिसको समाज अच्छा मानता है, वो नाम आप हमको दे दीजिए। और मैं अभी मधुबनी में ही 10 दिन हूँ, 10 दिन के अंदर अंदर मैं दावा कर रहा हूँ उसको मैं जन सुराज के प्लेटफॉर्म से जोड़ दूंगा। नहीं सर, लेकिन भाई जो जिसको आप बड़ा मानते हैं वो तो इतना दागदार है कि उसको जोड़ने का फायदा ही नहीं, उसको जोड़ दिया तो फिर इस अभियान का फायदा ही क्या है? बिहार में बड़ा नेता कौन है, जमीनी नेता कौन है? जो सबसे बड़ा मूर्ख है, जिसको ना भाषा का ज्ञान है ना विषय का ज्ञान है, वो यहाँ का नेता है। जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वो यहाँ का नेता है। जो बदमाशी करे, लूट मार करे, भ्रष्टाचार करे, चोरी करे, वो बड़ा नेता है। और आप कह रहे हैं कि वो बड़े लोग नहीं दिख रहे, मैं तो बहुत खुश हूं कि वो बड़े लोग नहीं दिख रहे। लेकिन अगर आपकी नजर में कोई ऐसा बड़ा नेता है जिस पर इस तरह के दाग नहीं है, या जिसको समाज समझता है कि नहीं ये बिहार के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनको जोड़ना चाहिए,
बिल्कुल मैं उनके घर जाऊंगा, उनके पैर पे गिरूंगा, उनका दरवाजा खटखटाऊंगा और उनको इस अभियान से जोड़ूंगा। और भाई सर, शराबबंदी पर मैं सवाल करना चाहूंगा। शराबबंदी कानून तो लागू कर दी गई, लेकिन शराब कहीं भी रुक नहीं रही, लगातार शराब की होम डिलीवरी हो रही है, जैसे कि लगातार सुनने भी आ रहा है, आप भी बोल रहे हैं, तो सर इसको लेकर के क्या सामाजिक क्रांति होनी चाहिए थी जो समाज के स्तर पर? मेरे भाई, पहली बात, शराबबंदी पर मैंने धीरे धीरे बोलना इसलिए बंद कर दिया है कि पत्रकारों ने, समाज ने, सबने मान लिया है कि ये बिल्कुल बेकार बात है शराबबंदी की बात करना। शराबबंदी करके कोई चीज बिहार में है नहीं। लेकिन इसकी जो तीन महत्व, चूंकि आपने सवाल उठाया, तीन बातों को आप समझिए। किसी भी नीति को लागू करने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि क्या दुनिया में कहीं कोई ऐसा प्रमाण है कि शराबबंदी के जरिए किसी राज्य, किसी देश, किसी समाज का आर्थिक सामाजिक उत्थान हुआ हो। दुनिया में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, भारत नहीं, दुनिया में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि किसी राज्य ने, किसी समाज ने शराबबंदी के जरिए अपना आर्थिक सामाजिक नैतिक उत्थान किया हो। दूसरा तर्क ये दिया गया कि शराबबंदी इसलिए लागू किया जा रहा है क्योंकि महात्मा गांधी ऐसा चाहते थे। मैंने इसका भी खंडन किया है। जो लोग भी महात्मा गांधी को पढ़े हैं, समझते हैं, महात्मा गांधी ने शराबबंदी को एक सामाजिक प्रयास के तौर पर उसकी बात कही है, राजनीतिक कानून की बात उन्होंने, सरकारी कानून की बात नहीं कही है। उन्होंने ये कहा कि सरकारों को, समाज को ये काम करना चाहिए इस दिशा में कि शराबबंदी, शराब लोग न पिए। लेकिन गांधी जी ने यह भी कहा कि लोगों को प्रयास करना चाहिए कि वेजिटेरियन रहिए। कल होकर उसी आधार पर अगर सरकार ये कानून बना दे कि जो नॉन वेजिटेरियन खाएगा उसके घर पर छापा पड़ेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, और फिर कहेगा गांधी जी ऐसा कह रहे थे। भाई गांधी जी ने ये नहीं कहा था। गांधी जी ने ये कहा कि समाज और शासन दोनों को ये प्रयास करना चाहिए कि लोग शराब पीने की जो बुरी आदत है उससे अलग रहे। अब नीतीश कुमार आधा कचरा ज्ञान लेकर पता नहीं कहां उन्होंने गांधी, मैं रोज एक साल से ये चुनौती दे रहा हूं कि नीतीश कुमार खुद, उनके सरकार में या उनका कोई अफसर, गांधी जी का लिखा हुआ वो वाक्य दिखा दें जहां गांधी जी ने ये कहा हो कि सरकारों को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करना चाहिए। न गांधी जी ने ऐसा लिखा न कहा। तो दो बातें, दुनिया में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए आप आर्थिक सामाजिक लाभ पा सकते हैं। दूसरा, गांधी के नाम पर इसको आप लोगों के आंख में धूल झोंकिए मत। और तीसरा, अगर आपने खुद की विद्वता से इसको लागू किया है तो जमीन पर तो ये लागू है नहीं। बिहार में शराबबंदी, शराब के दुकानों को बंद करने का अभियान है। शराब के दुकान बंद हो गए, होम डिलीवरी चालू हो गई। तो भाई पूरे दुनिया में आजकल होम डिलीवरी का सिस्टम है। इसका मतलब वो चीजें बिकनी थोड़ी ना बंद हो गई। अमेजोन से जो चीज बिक रही है, फ्लिपकार्ट से जो चीज बिक रही है, तो घर पे आ ही रही है। शराबबंदी से तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। बिहार गरीब, बिहार की गरीब जनता का करीब 20,000 करोड़ का हर साल का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है जो शराब माफिया है, जो भ्रष्ट अफसर है उसकी जेब में, वो पैसा लूट कर अपने घर ले जा रहे हैं। और समाज में अवैध शराब के कारोबार, शराब माफिया, अवैध शराब से होने वाली मृत्यु, जो युवा है वो काम करने के नाम पे शराब के धंधे में उनका लिप्त होना, अलग अलग तरह के नशा का करना, महिलाओं का उत्पीड़न पुलिस के द्वारा करना, ये तो सारी बातें हर दिन चर्चा में, हर दिन चर्चा में। इसलिए शराबबंदी पर तो लोग बात करना ही छोड़ दिए। भाई उत्तर प्रदेश के मुकाबले डीजल और पेट्रोल यहाँ 8 से 10 रुपए महंगा है, वो शराबबंदी का परिणाम है। आप यहाँ रजिस्ट्री कराने जाते हैं, रेंट पे घर लेना चाहते हैं, जमीन रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, उसका इंडिया में सबसे ज्यादा दर बिहार में है, वो भी शराबबंदी का परिणाम है। तो आपको आर्थिक नुकसान है, सामाजिक नुकसान है, इसका कोई फायदा है नहीं। पूरे समाज को आपने मतलब शराब के अवैध कारोबार से जोड़ दिया। और इसका जो एक और बड़ा नुकसान हुआ वो है बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर। जितना पुलिस प्रशासन तंत्र है वो शराबबंदी लागू करने, उससे पैसा कमाने, उसको छुपाने, बढ़ाने में लगा हुआ है, और जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की प्रक्रिया है, जो काम है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों से यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। सर, लालू जी की बेटी के जो आपके बारे में बयान दिया उस पर आपका रिएक्शन क्या है? कोई रिएक्शन नहीं। लालू जी की बेटी, अब लालू जी के बेटे यहाँ नेता, आप उनके बेटी पर, उनके नाती पर, उनके घर में काम करने वाले लोगों के बयान पर बयान देने लगे, तब तो हो गया बात। जिसको जो बयान देना है दे। मैंने जो बात कही उसको रोज रिपीट कर रहा हूँ, आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हमने ये नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव अच्छे हैं, खराब हैं, ज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। हमने ये कहा कि उनकी पहचान बस इतनी है कि वो लालू यादव के लड़के हैं।
और नौवीं क्योंकि नौवीं फेल है, अगर नहीं है तो बता दे कैमरे पर कि नहीं है भाई, हम पीएचडी किए हुए हैं। मैंने क्रिकेट की बात कही थी, पत्रकारों ने कहा कि उनकी जब बात की तो मैंने कहा भाई उनकी पहचान क्या है, उनकी पहचान तो बस इतनी ही है कि वो लालू यादव के लड़के हैं, इसके अलावा पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अगर उन्होंने कोई पराक्रम किया है तो वो बता दें, हम लोग भी उसको सीख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे। वो तो खुद उछल रहे हैं वो लोग कि हम उनको अज्ञानी बता रहे, हम कहां बता रहे, हम तो खाली जो फैक्ट है बता रहे। मान लीजिए कि हमारे बाबूजी डॉक्टर थे तो हम नहीं रोज कह रहे कि हमारे बाबूजी डॉक्टर थे, हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते हैं, हम तो रोज कहते हैं। तो अगर आपके बाबूजी मुख्यमंत्री हैं तो आपको बताया जाएगा भाई आपके मुख्यमंत्री बाबूजी थे, इसीलिए आप वहां बैठे हुए हैं कुर्सी पर। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अगर हम गलत कुछ उनके लिए कह रहे हैं जो नहीं है सत्य, तो उसका खंडन कर दें, बता दें कि भाई आप बिल्कुल झूठ फैला रहे हैं समाज में, हम तो पीएचडी हमने किया हुआ है, हमने इस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री ली है। आप जितने पत्रकार यहां बैठे हैं आपको भी समाज का अनुभव, आपके अपने बच्चे अगर जो उन्होंने नाइन्थ पास नहीं किया है उसको आप यहां बिहार में कोई नौकरी दिला सकते हैं? जो आदमी ट्विटर पे और प्रेस में आकर चिल्ला रहा है उसको हम बता रहे हैं कि नौवीं फेल किसी व्यक्ति, किसी बच्चे को यहां कोई नौकरी, कोई जगह मिल सकती है, और अगर किसी को मिल रही है तो ये देखना पड़ेगा फिर उनको क्यों मिल रही है। वो इसलिए मिल रही है कि लालू यादव के लड़के, यही तो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं, इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है। और जहां तक परिवार की बात है, किसी ने कहा कि भाई तो खाली लालू जी के परिवार के बारे में बोल रहे, हम सबके बारे में, हम तो सम्राट चौधरी के बारे में भी रोज बोलते हैं। सम्राट चौधरी की क्या हैसियत है भाई? तो शकुनी चौधरी के लड़के हैं इसलिए भाजपा ने भी उनको बनाया है। शकुनी चौधरी कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें भी विधायक मंत्री थे, लालू जी का दौर आया तो उसमें विधायक मंत्री हो गए, फिर नीतीश जी का दौर आया तो उसमें विधायक मंत्री हो गए, मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भाग के भी विधायक मंत्री बन गए। आज अभी उनको भाजपा का दौर दिख रहा है तो भाजपा में, भाजपा को भी और कोई नहीं मिला, उनको एक बड़े नेता के बेटे को ही जगह दिया उन्होंने भी। ये बात सिर्फ लालू यादव और शकुनी चौधरी की नहीं है, मैं ये आंकड़ा हर जगह देता हूं, आपको रिपीट कर देता हूं। बिहार में पिछले 30 साल में जितने लोग विधायक सांसद बने हैं चाहे जिस दल से बने हैं वो 1250 परिवार के लोग ही हैं। बिहार में 13 करोड़ आबादी है, करीब 3.5 करोड़ परिवार यहां रहते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर विधायक सांसद बनने का अधिकार यहां पर अभी तक सिर्फ 1250 परिवार के लोगों को ही है। इन परिवारों ने ऐसा राजनीति पर यहां कब्जा कर लिया है कि ये रहेंगे इसके बाद इनके बेटे रहेंगे, यही तो बिहार की दुर्दशा का कारण है। और ये सिर्फ आरजेडी में नहीं है, हम तो भाजपा वालों को कह रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी की क्या क्वालिफिकेशन है, शकुनी चौधरी के लड़के अगर नहीं है तो किस आधार पर बना दिया यहां का, मतलब किस आधार पर भाजपा के अध्यक्ष। मैं तो ये जनरल बात कर रहा हूं कि बिहार में जो व्यवस्था है उसकी एक कारण, उसकी बदहाली का ये है कि यहां कुछ चंद परिवारों ने यहां की राजनीति पर पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है। आप किसी भी विधानसभा को उठाकर देख लीजिए, आप अपने विधानसभा को उठाकर देख लीजिए, वही 4-5 परिवार है, वो या उनके बच्चे, दल चाहे कोई रहे, नेता कोई रहे, जब जिस नेता का जिस दल का दौर आता उसी में फिर सब जाके शामिल हो जाता है। जो लोग यहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे उन्हीं के बच्चे आज भाजपा से यहां विधायक। तो ये परिवारों का जो कब्जा है हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं, हमें किसी व्यक्ति से नहीं लेना देना है। अब उनको मिर्ची लग रही है तो हम क्या करेंगे उसके लिए? मैं तो उनके पक्ष की बात कर रहा हूं कि भाई सिर्फ परिवार की राजनीति लालू यादव नहीं कर रहे हैं, बिहार में हर विधानसभा, हर प्रखंड में, हर लोकसभा में कमोवेश यही स्थिति है, 2-4-5 परिवारों ने कब्जा किया हुआ है, घूम फिर कर वो या उनके बच्चे ही किसी ना किसी दल से चुनाव लड़ते हैं और मजबूरी में यहाँ की जनता को उन्हीं को वोट देना पड़ता है, चाहे वो लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव हो कि शकुनी चौधरी के लड़के सम्राट चौधरी हो। कोई ऐसा नहीं है जो अपने बल पर आया, अपने बल पर लालू जी आए थे तो ठीक है, अपने बल पर नीतीश जी आए वो ठीक है, लेकिन सम्राट चौधरी तो अपने पर, सम्राट चौधरी की यही तो पहचान है भाई कि शकुनी चौधरी के लड़के हैं तो भाजपा ने बना दिया उनको नेता। नहीं तो आप मुझे बताइए बिहार में उन्होंने कौन सा पराक्रम सम्राट चौधरी ने किया है? राजनीतिक कैरियर उनको भाजपा को और कोई नहीं मिला, वो लोग भी वही जाति देखता है और देखता है कि कोई बड़े बाप का बड़ा नाम चेहरा है उसको बना दो, उसका नाम उसी नाम पर वोट लेते रहो। हम तो आरजेडी बेकार उछल रही है, लोग आदत है बिना बात को समझे हुए कुछ भी बोलने का, हम जो बोल रहे हैं आप उसको सत्य के आधार पर काट दीजिए कि नहीं भाई आप प्रशांत किशोर झूठ समाज को गुमराह कर रहे हैं, तेजस्वी यादव नवा कहां फैले, उन्होंने पीएचडी कर लिया,
इंडिया गठबंधन की क्या भविष्य देख रहे हैं? शिवानंद तिवारी ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन पिछड़ रही है, कल ही का उनका स्टेटमेंट। चलिए, किसने क्या कहा इससे मतलब नहीं। हम अपनी बात इंडिया गठबंधन को लेकर, बिहार में महागठबंधन को लेकर जो पिछले साल भर से कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। जब नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन बनाया, पत्रकारों ने आकर पूछा सर इसका देश पर असर क्या होगा। मैंने उस समय कहा देश पर इसका असर जीरो होगा, ये राज्य स्पेसिफिक घटना है। नीतीश कुमार और आरजेडी तेजस्वी यादव लालू यादव की अभी उतनी ताकत नहीं है कि वो देश की राजनीति को प्रभावित कर सके। बिहार में वो बड़े चेहरा हो सकते हैं। दूसरा बात, जब इंडिया अलायंस बना तब मैंने कहा कि नेताओं के एक साथ मिलने से, चाय पीने से, प्रेस वार्ता करने से देशव्यापी माहौल नहीं बन सकता है। ये ठीक बात है, अगर सब दल एक साथ आते हुए दिखेंगे, नेता साथ में आते हुए दिखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ मजबूत चीज बन रहा है। और इंडिया अलायंस ने किया क्या अभी तक? पिछले 6 महीनों में उन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया कर लिया, और वो नाम अगर अच्छा किया तो उसका फायदा भी मिला। इतनी चर्चा हो रही है देश भर में भाई इंडिया अलायंस इंडिया अलायंस, लेकिन नाम बदलने के बाद उन्होंने क्या किया? अभी तक ना संयोजक बनाया, ना चेहरा बनाया, ना कोई नैरेटिव बनाया, एक बैठक एक रैली तक नहीं कर पाए पिछले। और हम कहां बोल रहे हैं, अब तो नीतीश कुमार खुद बोल रहे हैं कि कांग्रेस सीरियस नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं कि भैया ये लोग तो ये काम नहीं चलने वाला है। अभी आपने किसी का नाम लिया, तो ये हम नहीं बता रहे हैं, तो आपको ये बताना चाहिए कि भाई प्रशांत जी जो आप इंडिया अलायंस के विषय में पहले कह रहे थे वो होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि उस अलायंस को बनाने वाले जो लोग हैं उन्होंने ना कोई समझ दिखाई, ना कुछ उनकी सोच है, ना कोई प्रयास है। एक साथ बैठ गए, चाय पानी पी लिया, प्रेस में वार्ता कर लिया, उसे क्या हो जाएगा? और जो लोग ये बताते हैं कि दलों के एक साथ आने से चुनाव जीता जा सकता है उनका ये भ्रम है। कुछ लोग आपको उदाहरण देगा कि देखिए इंदिरा जी को सब दल मिलकर 77 में हरा दिया। भाई आप मूर्ख हैं, इंदिरा जी को दलों के साथ आने से नहीं हराया गया। इंदिरा गांधी को अगर 77 का जेपी का आंदोलन नहीं होता, इमरजेंसी नहीं होता, तो सारे दल आकर इंदिरा जी को हरा देते। पहले इमरजेंसी हुआ, 77 का आंदोलन हुआ, उसके बाद दल साथ आए तब उसको राजनीतिक सफलता मिली। पहले बोफोर्स के मुद्दे पर बीपी सिंह ने देशव्यापी अभियान चलाया, जनमोर्चा बनाया, फिर उसके साथ सारे दल जुड़े, तब राजीव गांधी हारे। ऐसा नहीं है कि आप खाली दल बना लीजिएगा और जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी, आपको आपको वोट दे देगी। ये मेरा आकलन है, अगर हमारा गलत होगा तभी दिख जाएगा आपको मई में। आपको लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अलग हुए एनडीए से, तो एनडीए में भी हड़बड़ाहट है, इसीलिए 15-14 सीटों पर नामांकित किया गया है और वहां पे लगातार अमित शाह आ रहे हैं। कौन क्या कर रही है जाके अमित शाह से पूछिए, बीजेपी से पूछिए, हम उनके प्रवक्ता तो हैं नहीं। नीतीश कुमार जी की जो ताकत है वो बिहार में राजनीतिक ताकत, राजनीतिक पारी करीब करीब खात्मे पर है, उसको आप ज्यादा भाव मत दीजिए। नीतीश कुमार किधर हैं और किधर रहेंगे उनको खुद नहीं पता है। नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है कि वो आज किसके साथ है और 4 महीने के बाद किसके साथ रहेंगे। आज किसको ज्ञानी बता रहे कल उसको मूर्ख बताने लगेंगे, आज जिसको देश का राज्य का भविष्य बताएंगे उसी को कल गाली देने लगेंगे। तो नीतीश कुमार पर उम्र का असर हो गया है, अब बोलना कुछ चाहते हैं बोल कुछ और जाते हैं। 4-5 महीना बचा हुआ है अपना, लोकसभा का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद जदयू के विघटन का दौर शुरू होगा और साथ ही नीतीश कुमार के राजनीति का पटाक्षेप होगा। बहुत दिन हो गया, 30-35 साल से बिहार की जनता देख देख के थक चुकी है, और मैं ये बात आपको रिकॉर्ड कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव के बाद जदयू का एज ए दल राजनीतिक विघटन हो जाएगा। नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का करीब करीब ये अंतिम समय चल रहा है, जितने दिन चलना है चल रहे, इसके आगे कुछ होने वाला नहीं, जो हाथ पांव मारना है मार लीजिए। और किसी को इसकी चिंता नहीं है कि नीतीश कुमार किधर है, इवन आरजेडी को भी इसकी चिंता नहीं। आरजेडी भी यही सोच रहा है कि इनका खत्म हो कहानी, तो आरजेडी भी वही सोच रहा है, भाजपा भी यही सोच, सब यही सोच रहे हैं कि कहानी खत्म। सर क्या उम्मीद करें जन स्वराज के पदयात्रा के बाद बिहार की राजनीति में एक नई भूचाल आएगी और युवाओं को मौका मिलेगा? आप ये उम्मीद रखिए, मैं पूरी तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब भी दे रहे हैं, पूरी तरीके से संकल्पित हैं। बिहार में 2 बरस लगे 4 बरस लगे 6 बरस लगे 10 बरस लगे यहाँ बिहार में आपको नई व्यवस्था, नया तरीका, बिहार में परिवर्तन अगले 10 साल में दिखेगा ही दिखेगा। उसके लिए मैं पूरी तरीके से संकल्पित हूँ। कैसे होगा कब होगा वो आप देखते जाइए, अभी तो साल भर हुआ है, हमने तो कोई दल नहीं बनाया है। आप भी यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, हम 1 महीना से आज मधुबनी झंझारपुर एरिया में हैं, आप देख रहे हैं कि जो लोग आकर जुड़ रहे हैं, हम तो सामने से कह रहे हैं जिसको वोट देना है दो, लेकिन फिर भी लोग आकर क्यों जन सुराज से जुड़ रहे हैं?
आप उसकी चिंता मत कीजिए। थोड़ी बहुत चुनाव और राजनीति की समझ मुझे भी है, जो काम हम कर रहे हैं इसको करने दीजिए, घबराने से नहीं होगा। 50 वर्ष से अगर व्यवस्था बिगड़ी हुई है तो उसको एक दिन में नहीं सुधारा जा सकता है, साल दो साल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा एकदम विश्वास है, जब पदयात्रा शुरू किए थे उससे आज 10 गुना ज्यादा विश्वास है कि जनता को ये बात समझ में आ रही है। 50% से ज्यादा जनता, ये आंकड़े आपको बता देता हूँ, 50% से ज्यादा बिहार के लोग बिहार में नया विकल्प चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जनसुराज चाहते हैं, हम ये दावा नहीं कर सकते, लेकिन लोग ये चाहते हैं ना भैया बिहार में कुछ नया होना चाहिए, नया विकल्प होना चाहिए। ये तीनों दलों को, चारों दलों को हम लोगों ने हर तरीके से देख लिया, इन लोगों से बिहार नहीं सुधरने वाला। अब इसको कौन सुधारेगा, जनसुराज सुधारेगा, आप सुधारेंगे, हम सुधारेंगे, कोई दूसरा सुधारेगा, कोई ना कोई बिहार का ही सुधारेगा। और जनता धीरे धीरे उस दिशा में उन्होंने अपना मन बना लिया है कि भैया बिहार में कुछ नया और बेहतर होना चाहिए। ये अभी के जो दल है आरजेडी, जदयू, भाजपा, इन्होंने पिछले 35 साल में बिहार का कोई भला नहीं किया है, न राज्य में न केंद्र में। केंद्र में भी यूपीए की सरकार को बिहार के लोगों ने देखा, एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार को भी लोग देख रहे हैं, उससे बिहार का कोई फायदा नहीं हुआ, बिहार से प्राय नहीं रुका है, बिहार से बेरोजगारी नहीं खत्म हुई है। तो कहीं ना कहीं इस बात की समझ बिहार के लोगों को है कि अगर बिहार में परिवर्तन करना है तो हमें समाज के तौर पर जगना होगा, लगना पड़ेगा, और लगने की इस प्रक्रिया में जनसुराज एक प्रयास है। लोगों को अगर समझ में आएगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं समझ में आएगा तो देखा जाएगा। तो सब क्या उम्मीद करें आने वाला विधानसभा का जो चुनाव होगा या फिर उसके बाद पंचायतों का जब चुनाव? भाई मैं सर तो उस चुनाव में, मैं एक सवाल कर रहा हूँ सर, उस चुनाव में क्या ये दागदार छवि के जो नेता होते हैं उस छवि से उठ करके कोई IITian होगा, कोई ऐसा होगा जो समाज के लिए डेडिकेटेड हो और वेल एजुकेटेड हो? मेरे भाई ऐसा है, मैं उन नेताओं की भाषा नहीं बोलता हूं कि रोज हर चुनाव के बारे में भविष्यवाणी करने। मैं जीवन में मैंने एक भविष्यवाणी की पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, पूरा देश कह रहा था कि भाजपा जीत रही है, मैंने कहा 100 नहीं जीतेंगे, 77 जीते। दूसरी भविष्यवाणी आपके बिहार के नजरिए से मैंने की है कि लोकसभा में नीतीश कुमार के दल जदयू को 5 सीट नहीं आएगा। अब आगे विधानसभा में क्या होगा ये जब लोकसभा का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हम वो भी आपको बताएंगे, अगर हमारी समझ होगी तो बताएंगे कि कौन कितनी सीट जीतेगा, ATM जीतेगा कि किसान जीतेगा। लेकिन इतना जरूर मैं अभी दावा आपको कर सकता हूँ कि बिहार में बहुत बड़े जनसंख्या में, बहुत बड़े यहाँ की आबादी में परिवर्तन की चाहत या परिवर्तन की मांग बहुत तेजी से घर कर गई है। और इसलिए नहीं कि हम आए, वो पहले से है, लोग यहाँ पर त्रस्त है, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उनको रास्ता दिखेगा तो जितने सो कॉल्ड समीकरण हैं उसको धराशायी होने में 1 महीना का समय नहीं लगेगा। ये आप लिख कर रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।